देखिए ये जो विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि 5 जनवरी को दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंजाब की इस पवित्र धरा पर आए थे, क्योंकि पंजाब की धरा गुरुओं की, पीरों की ये धरा है। और इस धरा को, क्योंकि कोरोना का जो वैश्विक संकट चल रहा है, उस वैश्विक संकट में जो विकास की गति आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 वर्षों के अंदर उस गति को बनाए रखा है, उसको तेज करके रखा है, परंतु कोरोना के समय के अंदर वो थोड़ी रुकी थी, उस गति को और तेज करने के लिए पंजाब की इस धरती के ऊपर 5 तारीख को उनका दौरा था, उन्होंने यहाँ पर आना था फिरोजपुर के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने शहीदों को भी वहाँ पर उनकी प्रतिमा के ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उन्होंने जाना था, ये कार्यक्रम वहाँ पर था। परंतु जिस प्रकार से ऐसे प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े, ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा के अंदर चूक हुई है, उस चूक का ये प्रायोजित तरीके से पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा, चन्नी के द्वारा ये किया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वो देने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, पीजीआई का एक सैटेलाइट सेंटर उसका शिलान्यास यहाँ पर करना था, उनका कार्यक्रम था फिरोजपुर के अंदर, और ऐसे स्थान के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोका गया, जहाँ से मात्र पाकिस्तान का बॉर्डर 12 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, कोई भी घटना घट सकती थी। उस घटना का जिम्मेवार ये पंजाब की कांग्रेस सरकार है, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब हैं, क्योंकि उनके ने एक प्रायोजित ढंग से अपने नेताओं के इशारे के ऊपर, मेरे ख्याल से उसके अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है, उसकी जांच चल रही है, जांच का विषय है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व के अंदर ये कमेटी बनी है, और कमेटी उसकी जांच कर रही है, क्योंकि हमारा ये विरोध है इसको लेकर के, क्योंकि जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उसकी सुरक्षा को लेकर के अगर पंजाब के अंदर वहाँ पर चूक हुई है, तो उसका जिम्मेवार सीधा सीधा यहाँ की गवर्नमेंट है, चन्नी साहब मुख्यमंत्री यहाँ के जिम्मेवार हैं, उनकी इलेगली के कारण